हेलो गाइस, मैं हूं पंकज धाकड़। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमआर पंकज धाकड़ में। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डीसी मोटर है। ये जो मोटर है, आपको पता है कि डीसी करंट से चलती है। तो गाइस, अगर हम इसको जो एसी करंट से चला दें, मतलब कि इसको डीसी की जगह जो हम एसी करंट दे दें, तो क्या होगा? काफ़ी अमेजिंग है। मतलब कि हम इसको 240 वोल्ट करंट से चलाने वाले हैं। ये नॉर्मली जो मोटर है आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट से चलने वाली है। जो मतलब कि हमारी बैटरी होती है 12 वोल्ट की, या फिर 12 वोल्ट का अडाप्टर होता है, उससे चलने वाली है ये मोटर। जो मतलब उससे जो हम इसको चलाकर यूज़ करते हैं। तो कैसे अगर हम इसको जो इसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा? मतलब कि चल तो जाएगी, मेरे को लगता है चलेगी, ये तो कन्फर्म है चल जाएगी। लेकिन कितनी स्पीड से, मतलब कि जो उसकी घूमने की स्पीड है कितनी रहेगी? मतलब कि अचानक से घूम के जल जाएगी, फिर क्या होगा? काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो कैसे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिएगा, इस वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं और इस मोटर को जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली जो हमने इसको टेप की सहायता से अच्छे तरीके से जो है बेंच पे फिक्स कर दिया है, ताकि जब जोर से जब हम इसको एसी सप्लाई दें, तो जब जोर से घूमने वाली है तो ये इधर उधर नहीं भागे, ये यहीं पे स्थिर है। और आप देख सकते हैं हमने इसको जो एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब केवल देर है कि जो हम है मेन स्विच को ऑन कर दे और इसके अंदर जो एसी सप्लाई चली जाए। तो चलिए फटाफट से जो मेन स्विच को ऑन करते हैं और इसको जो एसी सप्लाई देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, फाइनली हमने इसको जो एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको अगर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 2 1, 3 2 1। गाइस, यहाँ पे जो पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, मतलब जो मेन पावर सप्लाई थी हमारी, वहीं से जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरीके से ऑफ हो चुकी है। मतलब बहुत ज़ोर से जो वापस से यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ है। तो गाइस, सर आपने देखा कि जब हमने डीसी मोटर को जो डायरेक्टली है 240 वोल्ट पावर सप्लाई से चलाए तो क्या हुआ? मतलब कि अचानक से जो पूरी घर की लाइट बंद हो चुकी थी, जो हमारा मेन पावर सप्लाई जहाँ से घर में आ रही थी, वहाँ से जो तार है वो पूरी तरीके से जल चुका था। मतलब तार जो जल के नीचे गिर गया था, तार है मतलब वहाँ से अलग हो चुका था, और जो मोटर है ये भी पूरी तरीके से जल चुकी है। मतलब इसके अंदर से भी बहुत तेज़ आवाज़ आई, आपने सुनी लिया, वो पूरी तरीके से जो मोटर है जल चुकी है। इसके अंदर से बहुत ही स्मेल आ रही है, ये मोटर भी जो पूरी तरीके से अंदर से जल चुकी है। तो बस प्लीज़ आप ऐसे घर पे या कहीं और ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजर है। आपने देख लिया कितने ज़्यादा खतरनाक है ये। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही डेंजरस वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।